गुड मॉर्निंग माई लवली स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल, वेलकम टू मैथ सेशन। स्टूडेंट, हमने 1 to 100 नंबर सीखे ना। अब देखो, 100 का स्पेलिंग क्या बताया था मैंने, HUNDRED 100। सो 100 मीन्स वॉट, 10 tens। 10 tens मीन्स कितना होता है, 100। 10 tens मीन्स 100, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा सा हमें प्रैक्टिस कोर्स दिया है। यहाँ पे हमें क्या करना है, एलिफेंट का पिक्चर बनाना है। तो आपको क्या करने है, सिर्फ नंबर्स जोड़ने हैं, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ नंबर्स जोड़ने हैं। सो वेयर इज नंबर 1, यस हियर। सो नंबर 1 से हमें 2 तक जाना है, देन 2 से 3 तक जाना है, 3 से 4 तक, देन 5 तक, देन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, देन 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, then 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, then 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, then 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, और ये 75 और 1 भी यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया। ये देखो कितना अच्छा एलिफेंट का पिक्चर तैयार हो गया। तो आपको ऐसे ये डॉट ज्वाइन करने हैं और इसको अच्छा सा कलर करना है, ठीक है, जो पेज नंबर 127 पे दिया है। साथ में हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हैं, नेम द एनिमल ट्रेस्ट वो, ये एनिमल का नेम क्या है, कौन सा एनिमल है, यस वेरी गुड, एलिफेंट। कौन सा एनिमल है, एलिफेंट। सो आपको यहाँ पे स्पेलिंग लिखना है। देन विच इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड, सो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा वाला लैंड एनिमल जो लैंड पे रहता है, जमीन पे रहता है, ऐसा एनिमल कौन सा है, तो वो भी क्या है, एलिफेंट। द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड, वो भी क्या है, एलिफेंट है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे भी स्पेलिंग लिखना है। देन नेक्स्ट पेज देखो, नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है, काउंट बैकवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट नंबर एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स। ये जो फर्स्ट नंबर है ना, यहाँ से हमें क्या जाना है, पीछे पीछे जाना है, पीछे के नंबर्स की ओर जाना है। और ये जो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग्स दी है वो कंप्लीट करनी है। देन 100 के पीछे अगर हम जाते हैं तो कौन सा नंबर आता है, 99। देन 98, देन 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, then 90, then 90 के पीछे गए तो 89, 88, 87, 86 and 85। वैसे ही आपको ये जो 2 है ना, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट नंबर दिया 84, 69, 54, इनके पीछे जाना है, बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। 84 के पीछे कौन सा नंबर आएगा, 83 आएगा, देन 82 आएगा, ऐसे करते करते आपको जाना है। यहाँ पे 69 के पीछे 68 आएगा, 67 आएगा, और आगे आपको करते जाना है। देन 54 के बैकवर्ड अगर हम जाते हैं तो 53 आएगा, 52 आएगा, 51 आएगा, 50 आएगा, देन 49, 48, ऐसे आपको ये भी कंप्लीट करना है। इजी है ना, तो आपको कंप्लीट करना है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे हैंडशेक का प्रोजेक्ट दिया है। हाउ मेनी हैंडशेक्स, मतलब हैंडशेक्स मीन्स कि आप हाथ मिलाते हो ना आपके दोस्त हेलो हाय करते टाइम, तो सपोज यू मीट योर फ्रेंड, आप आपके फ्रेंड से मिले, हाउ मेनी हैंडशेक्स वुड बी देयर बी, तो आप कितने टाइम हैंडशेक करोगे उससे, कितने हैंडशेक मिलाओगे, ओनली 1। अगर आप एक फ्रेंड को मिलते हैं तो एक ही हैंडशेक होगा, देन 2 फ्रेंड्स को मिलते हैं तो 2 हैंडशेक्स होंगे, है ना। तो ऐसे आपको क्या करना है, ये प्रोजेक्ट करना है। लेकिन हम ये प्रोजेक्ट अभी आपको ये करना नहीं, आप स्कूल में आने के बाद मैं आपको ये करने को बोलूँगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रैक्टिस कोच विच इज़ ऑन पेज नंबर 129, फिल इन द बॉक्सेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो हमने देखा, जैसे हमने क्या किया, नंबर फॉर्म किए ना, 50 से लेके 100 तक नंबर्स हमने सीखे हैं। तो 6 tens and 2 ones नंबर क्या होता है, 62, देन 8 tens and 4 ones द नंबर इज 84,
84. So you have to write 84 here. Then 5 tens and 7 ones. The number is 57. Then 9 tens and 3 ones. The number is 93. Then 51 means what? 5 tens and 1 ones. So यहाँ पे लिखना है 5 tens and 1 one. Then 66 means क्या? 6 tens and 6 ones. So you have to write 6 tens and 6 ones here. Then 80 means what? 8 tens and 0 ones. So you have to write 8 tens and 0 ones here. Then 73 means what? 7 tens and 3 ones. So you have to write 7 tens and 3 ones here. Okay. Then next, write the number names. मैंने आपको क्या बोला है? Number names आपको क्या करने हैं? Yes, very good. आपको number names learn करने हैं, spelling learn करने हैं, ठीक है? Then 65. What is the spelling of 65? What is the number name of 65? Yes, S-I-X-T-Y, 60 and F-I-V-E, 65. Then 86. अब हम क्या करेंगे? 86 का number name लिखेंगे. 86 में फर्स्ट हम 80 का स्पेलिंग राइट करेंगे. E I G H T Y 80 S I X 6 86. ओके. देन नेक्स्ट 77. देन S E V E N T Y 70 S E V E N 7 77. देन 90 42 56. इसका नंबर नेम आप राइट करोगे, वो भी बहुत नाइस हैंड राइटिंग में. फर्स्ट लेटर क्या चाहिए? यस, कैपिटल चाहिए, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट, कंप्लीट द नंबर सीक्वेंसेस. हमें क्या करने हैं? नंबर्स के सीक्वेंसेस कंप्लीट करने हैं, ठीक है. 60, व्हाट कम्स आफ्टर 60? 61. देन व्हाट कम्स आफ्टर 61? 62. सो यू हैव टू राइट 62 हियर. देन व्हाट कम्स आफ्टर 62? 63. देन 64. ओके, सो सेम यहाँ पे आएगा 73, 74, 75, 76 एंड 77. देन देखो बी वाला क्या, 45 के पहले क्या आएगा? 44. देन 43 है तो 42 आएगा. देन 41. उल्टा सीक्वेंस दिया है यहाँ पे नंबर्स का, ठीक है. यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर दी है नंबर्स की, पहले बड़ा वाला फिर वैसे, ठीक है. देन 80. सो व्हाट कम्स बिफोर 80? 79. एंड व्हाट कम्स बिफोर 79? 78. देन 77, 76, लाइक दैट. ओके, ये आप करोगे, ठीक है ना. अब देखो नेक्स्ट, फिल इन द बॉक्सेस. जो हमारा एलकेजी यूकेजी में हो चुका है, बिफोर नंबर एंड आफ्टर नंबर. आफ्टर नंबर मीन्स क्या? नेक्स्ट नंबर. एंड बिफोर नंबर मीन्स क्या? प्रीवियस नंबर, पहले आने वाला नंबर. सो पहले हम आफ्टर नंबर फिलअप करेंगे, नेक्स्ट नंबर्स. सो व्हाट कम्स आफ्टर 65? 66. एंड व्हाट कम्स आफ्टर 74? 75. एंड व्हाट कम्स आफ्टर 58? 59. What comes after 93? 94. Now, अब हम क्या करेंगे? Before number लिखेंगे. So, we will fill before numbers now. What comes before 65? 65 के पहले कौन सा number आता है? 65 का previous number कौन सा है? Yes, very good. 64. Then what comes before 74? 73. Then before 58? 57. And before 93? 92. Okay? सो देखो ये क्या हो गए, फिलअप कर दिए हमने. अब यहाँ पे हम लिखेंगे बिटवीन नंबर, मतलब दो नंबर के मिडल में जो नंबर आता है, बीच में ना जो नंबर आता है वो नंबर हम लिखेंगे. सो व्हाट कम्स बिटवीन 75 एंड 77? यस, वेरी गुड, 76. व्हाट कम्स बिटवीन 57 एंड 59? 58. व्हाट कम्स बिटवीन 63 एंड 65? 64. देन व्हाट कम्स बिटवीन 59 एंड 61? 60. सो बिटवीन नंबर आप कैसे फाइंड आउट करोगे? एक तो जो पहला वाला नंबर है उसका आफ्टर नंबर ले लो, या लास्ट वाला नंबर है उसका बिफोर नंबर ले लो, तो ये क्या हो जाता है? दोनों के बीच का बिटवीन नंबर हो जाता है. ओके, सो आज आपको क्या करना है, पेज नंबर 129 पे ये जो प्रैक्टिस कोच का फर्स्ट पेज दिया है वो आपको प्रॉपरली फिलअप करना है. साथ में ये मैंने बैकवर्ड स्टार्टिंग नंबर्स का भी दिया है आपको, ये भी आपको करना है. पेज नंबर 128 पे ये भी फिलअप करना है. और आपका पसंदीदा काम है, आपको एलिफेंट के नंबर जोड़ के ड्राइंग कंप्लीट करना है और इसको कलर करना है और इसके फोटोज मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं. ओके, बाय.